अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल विकेंड्स कुकिंग विद निदा। आज हम बनाएंगे ब्रिंजल चिकन चीज़ पकोड़ा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन मिंस, 1 मीडियम साइज अनियन जिसे हम चॉप्ड कर लेंगे, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून क्रश ब्लैक पेपर। इन तमाम चीज़ों को हम चिकन मिंस में शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देंगे। वन टीस्पून वाइट विनेगर या लेमन जूस शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करके मैरिनेट करने रख देंगे। अब हम एक ब्रिंजल के कॉर्नर्स काट लेंगे और पीस के मोटे मोटे स्लाइस कर लेंगे। अब इन स्लाइस को हम बीच में से काट लेंगे, 3/4 काट लेंगे, इस तरह से बुक फॉर्म में इस तरह से इसे काट लेंगे। इस तरह से हमने तमाम ब्रिंजल्स को कट लगा दिया है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून चिकन मिंस शामिल करेंगे और मोज़रेला या चेटर चीज शामिल कर देंगे, हाफ स्लाइस शामिल कर देंगे और इसे बंद कर लेंगे। ये हमने ब्रिंजल का मोटा साइज काटा था और इसमें 2 कट लगाए हैं। इसमें हम एक तरफ चिकन मिंस शामिल करेंगे और एक तरफ चीज स्लाइस शामिल कर देंगे, इसे भी बंद कर लेंगे और इस तरह से हम तमाम पीसेस तैयार कर लेंगे। अब हम बैटर बनाएंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हाफ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। इन तमाम चीज़ों को एक बॉल में शामिल कर देंगे और ठंडे पानी से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा ना पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, इस तरह से हम तमाम स्लाइसेस बैटर में शामिल कर देंगे। और फिर इसे हम मीडियम आंच पर गरम तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। जब एक साइड हो जाएगी तो साइड चेंज कर लेंगे। पांच से छह मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे, फिर इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे ब्रिंजल चीज पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। ये हमने मोटे साइज के आलू कट कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे चिप्स की तरह बारीक भी कट कर सकते हैं। इसे हमने आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और अब उसी बैटर में जो बच गया है इसमें हम तमाम आलू शामिल कर देंगे और इन आलुओं को भी डीप फ्राई कर लेंगे। रमज़ान में ये रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।